सबसे पहले देख ली। हाय गाइस, वेलकम टू योर टेक एडवाइजर, और स्वागत है आपका डेली टेक रिपोर्ट के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए बताते हैं आपको आज की कुछ न्यूज़ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये खबर निकल के आ रही है आईफोन एक्स के बारे में कि इसकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो $413 यानी कि 26,500 रुपये के आसपास लगभग निकल के आ रही है, और ये लोग लगभग चार्ज कर रहे हैं हमने 1,00,000 रुपये, 1,00,000 नहीं बल्कि 90,000 रुपये लगभग चार्ज कर रहे हैं ये लोग बेस मॉडल के लिए। तो भाई फिर क्यों लेना यार, जब इतना ये लोग, फिर भी एप्पल वाले तो लेंगे ही लेंगे जो एप्पल के फैन बॉयज हैं। और यहाँ पे बात करें तो जियो ने अपना नया स्मार्टफोन M7 लॉन्च करने जा रहा है 25 सितंबर को चाइना में। तो इस बार निकल के आ रही है न्यूज़ कि ये बेजल लेस होगा, तो अब देखते हैं 25 सितंबर को किस तरह से निकल के आता है ये। और डूजी मिक्स 2 नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। ये जैसे डूजी मिक्स इन्होंने पिछली बार लॉन्च किया था पिछले ईयर में, जो कि Xiaomi Mi Mix की एग्जैक्ट कॉपी थी, और इस बार डूजी मिक्स 2 लॉन्च किया है जो कि Xiaomi Mi Mix 2 की तरह तो नहीं लेकिन कुछ कुछ मिलता जुलता उससे है। तो 18:9 यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, और फुल HD डिस्प्ले है, और यहाँ पे हेलियो P25 माली का T880 MP2 GPU दिया गया है, और यहाँ पे 6GB या 8GB की रैम है, और 128GB आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है दोनों ही रैम वेरिएंट के साथ में। और यहाँ पे एक्सपेंडेबल भी है वो स्टोरेज, और यहाँ पे आपको चार कैमराज यानी कि डुअल रियर कैमराज 13+16 MP के और डुअल 8 MP के सेल्फी कैमराज दिए गए हैं। और प्राइसिंग रखी गई है $200 यानी कि इंडिया में बात करें तो 12,800 रुपये के आसपास। तो इनके फ़ोन्स काफ़ी चीप होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज और इनकी जो कस्टम रोम होती है वो बहुत ही घटिया थर्ड क्लास होती है। तो देखते हैं इस बार क्या निकल के आता है इस फ़ोन में। और बात करें तो यहाँ पे हुआवे का G10 22 सितंबर को लॉन्च हो सकता है, और यहाँ पे चार कैमरे इस बार उस फ़ोन में भी आ सकते हैं। तो अब देखते हैं 22 सितंबर को किस तरह से निकल कर के G10 आता है। और यहाँ बात करें तो 20 सितंबर को मेजू नाम का एक ब्रांड है चाइनीज़, तो इसका M6 मॉडल आने वाला है 22 सितंबर को। तो देखते हैं भाई, चाइना में ये लॉन्च होगा अभी, तो फिर देखते हैं लॉन्च होने के बाद किस तरह से होता है। और यहाँ पे बात करें तो एप्पल वॉच के बारे में एक न्यूज़ आ रही है कि एप्पल वॉच आप जिस कंट्री में ख़रीदेंगे सिर्फ उसी कंट्री में वर्क करेगी, यानी कि अगर आपने कहीं इंपोर्ट करना चाहते हैं इसे, कहीं मान लीजिए आपको चीप मिल रहा है, वहाँ आपने ख़रीद लिया, बाहर गए हुए हैं, तो आप लेकर के अपने कंट्री में आएंगे तो फिर ये वहाँ वर्क नहीं करेगी। तो भाई देख लीजिएगा अगर आप ख़रीदने वाले हैं तो। और यहाँ पे एप्पल की जो बायोनिक A11 चिप इन्होंने आईफोन 8, 8 प्लस और X में लॉन्च की है, सॉरी 10 में, तो इसके बारे में गीक बेंच से निकल के आ रही है कि मतलब इसने मल्टी कोर स्पीड में जो स्नैपड्रैगन के 835 और क्या बोलते हैं एक्जिनोस के 8895 को पीछे छोड़ दिया है। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है इन दोनों ही चिप से। तो भाई ये तो A10 भी फास्ट था इन दोनों से, तो ये तो जाहिर सी बात है फास्ट होगा। तो यहाँ पे फेसबुक की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि एक बोनफायर नाम के एप्लीकेशन लाने वाले हैं लोग ग्रुप चैटिंग के लिए, ग्रुप वीडियो चैटिंग के लिए। अभी फ़िलहाल ये डेनमार्क में लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब देखते हैं कि इंडिया में कब तक आता है। और यहाँ पे वन प्लस के बारे में न्यूज़ आ रही है कि वन प्लस 100% सेटिस्फैक्शन कस्टमर सेटिस्फैक्शन ब्रांड बन गया है इंडिया में, जो कि एक वन प्लस के लिए बहुत बड़ी बात है। इस साइबर मीडिया रिसर्च की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है, उनके सर्वे में ऐसा निकल करके आया है कि इंडियन कस्टमर्स जो है 100% सेटिस्फाइड हैं वन प्लस के साथ, तो ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पे गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट को मिलेगा एंड्रॉयड N का अपडेट। जी हाँ, तो अगर आप गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट डिवाइस यूज़ करते हैं तो आपको एंड्रॉयड N का अपडेट मिल गया है, आप जा करके अपने सेटिंग्स में चेक करिए। और यहाँ पे न्यूज़ आ रही है वन प्लस 5 के स्पेशल एडिशन के बारे में कि 19 सितंबर को पेरिस में एक इवेंट में वन प्लस 5 का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च हो सकता है। इंटरनल्स हो सकता है सेम रहें या फिर देखते हैं कि क्या होने वाला है, एक्सटर्नल्स में क्या चेंज होता है 19 सितंबर को ये पता चलेगा। और यहाँ पे फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं, और इसमें आईफोन एक्स का एंड्रॉयड क्लोन गूफोन एक्स नाम से चाइना में लॉन्च कर दिया गया है। 6500 रुपये का फ़ोन है, लगभग बात करें तो $100 के आसपास, और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर लिए डिज़ाइन में, और स्पेसिफिकेशंस की तो बात ही मत करिए। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड मिलता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन लुक वाइज आईफोन 10 से ये सिमिलर है। तो गाइज ये थी आज की टेक न्यूज़, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखते रहने के लिए। आप यहाँ क्लिक करके भी, बीच में ये गोला क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नीचे लाल वाले बटन को दबा करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाय गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।